हेलो जी, ये मैं कुशल मंगल फिजियोथेरेपी सेंटर पे आई हुई हूँ और यहाँ पर इस टाइम बाय चांस दोनों ही शोल्डर मतलब फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट हैं और उनको ये ट्रीटमेंट दिया जा रहा है अलग अलग, वो जो आपको अभी हम बताते हैं। हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, कॉपी टू ऑल, वेलकम बैक। लाइफ इज कलरफुल। तो आज हम आए हैं कुशल मंगल फिजियोथेरेपी सेंटर, जहाँ पे आपसे डॉक्टर से मिलवा ही चुकी हूँ मैं पहले आपसे। और आज हम पता करने जा रहे हैं कंधों की प्रॉब्लम्स के लिए। जो मैंने आपको दिखाया अभी कि यहाँ पे जो पेशेंट थे उनको कंधों की प्रॉब्लम थी, सबको आती है, एज के अकॉर्डिंगली कह लो या कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है किसी भी वजह से। कोई ज़्यादा लोड उठा लिया या किसी वजह से हो गया, या तरीका ठीक नहीं था, लाइफस्टाइल ठीक नहीं है अपना उठाने का, या वीकनेस है कोई, तो वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको कैसे कैसे हील करते हैं ये थेरेपिस्ट बताएंगे हमें कि जो पेशेंट थे उनको क्या प्रॉब्लम आई और यहाँ पे क्या क्या ट्रीटमेंट मिलते हैं और घर बैठे क्या कर सकते हैं आप, वो जानने के लिए चलिए जी पूछते हैं। हाँ जी, कंधों की प्रॉब्लम जो आजकल आ रही जी, है। जैसे वो अंकल का ट्रीटमेंट जो हो रहा था, उन्हें फ्रोजन शोल्डर हुआ है। तो हमने पहले उन्हें अल्ट्रासोनिक दिया, जो कंट्रोल टू इन्फ्लामेशन ले लेते हैं। इसके बाद टेंस लगाया, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और पेन किलर होता है। उसके बाद हीट देने के बाद एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज सबकी अलग अलग होती है। जिसको फ्रोजन शोल्डर है उसे हम भी कराते हैं, हमें भी करानी पड़ती है। इसके बाद घर में करने को बोलते हैं पेशेंट को, घर में करते हैं एक्सरसाइज। तो कंधों की और क्या प्रॉब्लम्स आती है और किस वजह से आती है? कंधों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। किसी को मान लो एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से कंधे में कोई फ्रैक्चर वगैरह हो गया। फ्रोजन शोल्डर के लिए जो आपने ये ट्रीटमेंट दिया, तो मैं देखना चाहूंगी कि आप मशीनें कौन कौन सी यूज करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कौन सी यूज करते हैं, तो प्लीज हाँ, आप ये हम दिखाते दिखाइएगा। हैं आपको। अच्छा, तो ये वाली मशीनें आप हाँ, शोल्डर पे ये यूज करते हमारा हैं ये? अल्ट्रासोनिक है। ये हेड अल्ट्रासोनिक का, इसे कंट्रोल टू इन्फ्लेमेशन भी लगाते हैं। इसकी इंटेंसिटी सेट करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग, किसको कितनी देनी है। और ये हमारा टेंस है, जो नर्व स्टिमुलेटर होता है, ये लगाते हैं। मतलब ये जेल लगा के फिर हाँ आप जी, उस पे लगा रहते हैं और उस पे भी जेल लगा के, तो जी वो तो ट्रीटमेंट आप यहाँ पे ही दे सकते हाँ जी हैं, हाँ जी मतलब वो हम घर पे नहीं कर सकते किसी भी तरह। तो अब जैसे जो एक्सरसाइज करवाते हो मोस्टली, तो वो भी यहीं पे बैठा कर हाँ, जैसे पहले यहाँ पे कराते हो? करानी पड़ती है। जब तक पेशेंट खुद करने की कंडीशन नहीं होता है, यहाँ उसको सिखाते हैं, कराते हैं। इसके बाद जब पेशेंट खुद करने की कंडीशन में आ जाता है, तो उसे घर पे भी सिखाया जाता है कि घर पे आपको कैसे एक्सरसाइज करनी है, तो वो घर पे भी करते हैं। तो चलिए जरा और, हाँ, करो स्टार्ट। तो अब जैसे यहाँ पे मशीनें यूज होती हैं और ये भी मशीनें हैं जो यहाँ पे आके पेशेंट अपने आप ये सिखाते हैं और वो यूज करते हैं कंधों के लिए। तो हाँ जी, इसका क्या तो ये करना टी पुली है, इसको पकड़ के हाथ सीधे कर लीजिए। सीधे इसको पकड़ो, है? इसको पकड़ो, हाथ हाँ सीधे करो। आप इसको ऐसे चलाइए, ऐसे नीचे ओके, ये कंधों इसको के इस तरह से लिए। चलाते ओ हैं, बाप रे, मेरे तो कंधे दर्द और हो फिर रहे हैं। इसको इस तरह से भी चलाते हैं। हाथ खोल के ये हाथ इधर नीचे, अच्छा ये ऐसा करना है। ऐसे, हाँ जी, इस तरह से। और इसके बाद ये शोल्डर व्हील है, इसमें मतलब इसको सबको लाते हैं। अलग अलग होती होगी, जैसे ये ऐसे इसी भी तरह जो के कर रहे मूवमेंट होते होते हैं हैं, या वो वैसे ऐसे करने मतलब होते हैं, पर सही जनरल। तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। ओके, करने वाले तो जैसे भी करते हैं। ये वाली भी और यहाँ पे इसके एक्सरसाइज होती बाद है जिसका शोल्डर काफी व्हील, बेनिफिट मिलता है मसल्स के लिए। और अब ये शोल्डर व्हील है, इसे चलाते हैं। ये शोल्डर व्हील, इसे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। ओके, अच्छा हाइट के अकॉर्डिंगली एडजस्ट हाँ, इसको हो एडजस्ट जाता कर है और लेते हैं। अब फिर इसको घुमा इसको देते हैं हाँ, इस तरह से। और फिर इसको एंटी एंटी, क्लॉकवाइज भी, ओके, क्लॉकवाइज और हाँ फिर एंटी एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, इस तरह से। ये भी घर पे लगा लो। हाँ, लगाने वाले घर पे लगा लेते हैं, घर पे भी करते हैं। पीपली भी तो घर में लगा लेते हैं, उससे भी करते हैं। अब घर पे लगवाना है या यहाँ पे आना है या थेरेपिस्ट के पास जाना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप जब भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो थेरेपिस्ट और स्पेशलिस्ट के पास जाना ही पड़ता है, तभी हम फिट और हिट हो सकते हैं। ओके, तो अब इसी तरह से जैसे अभी हम बात कर रहे थे फ्रोजन शोल्डर की, शोल्डर की और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो क्या क्या आती हैं आपके पास, कैसे पेशेंट आते हैं और उनको कैसे ट्रीटमेंट देते हो आप, तो वो ज़रा बताइए हमारे।
दर्शकों? अभी आजकल जो ज्यादातर पेशेंट आ रहे हैं वो फ्रोजन शोल्डर के आ रहे हैं। वैसे किसी का डिसलोकेट हो जाता है शोल्डर, वो पेशेंट भी आते हैं। किसी को अर्थराइटिस हो गई, वो पेशेंट भी आते हैं। किसी की बोन्स वगैरह वीक हैं, बर्साइटिस हो जाती है, तो वो पेशेंट भी आते हैं। तो पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट करते हैं कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके अनुसार उसका इलाज करते हैं। उसी हिसाब से एक्सरसाइज होती हैं, उसी हिसाब से आप जो अंदर यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट के लिए मशीनें, और एक्सरसाइज कुछ यहाँ पे बताई जाती हैं और कुछ उनको ये होता है कि घर जाके अपनी प्रॉपर एक्सरसाइज करो, लेकिन कुछ टाइम देना पड़ता है यहाँ पे। और किसी का जैसे अब ये होता है फ्रोजन शोल्डर, कईयों को पता ही नहीं चलता, वो दर्द लेके बैठे रहते हैं कि काफ़ी टाइम तक हो गया। तो कितने टाइम पीरियड में ये मोस्टली ठीक हो जाता है फ्रोजन शोल्डर में? फ्रोजन शोल्डर डिपेंड करता है कि कंधा कितना जाम हुआ है, कितने डिग्री मूवमेंट है उसमें। किसी का बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है, हाथ बिल्कुल इतने से इतना उठता है, तो उसमें महीना डेढ़ महीना लगभग लग जाता है। किसी का हाथ पीछे बिल्कुल नहीं जाता, यहीं से अटक जाता है, इससे पीछे नहीं जाता, तो ऐसे केस में महीना डेढ़ महीना लगभग लग जाता है ट्रीटमेंट में। ओके, मतलब ये अगर जल्दी से मतलब पकड़ लिया, डॉक्टर के पास जाके डायग्नोज जल्दी हो गया तो जल्दी ठीक हो जाता है 10 से 15 दिन में। और अगर वो ज़्यादा जाम हो गया है, पीछे जा ही नहीं रहा, तो जैसे मुझे प्रॉब्लम आई थी, मुझे तो 4 दिन में ठीक हो गई थी क्योंकि जल्दी से पकड़ आ गई। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी बॉडी का आप ध्यान रखिए, आपको क्या चाहिए और क्या प्रॉब्लम हो रही है उससे डॉक्टर से मिलिए, थेरेपिस्ट से मिलिए, और जल्दी से जल्दी ठीक होने के लिए जल्दी से जल्दी आपको थेरेपिस्ट पे जाना पड़ेगा। ओके, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।